पास जो सुईगाम से जो गाड़ी आई है ना बोलेरो कैंपर 2017 की, उसमें क्या कि हमने डैशबोर्ड नया मॉडल का डाला हुआ है 2024 में जो आता है वो डिजिटल वाला। तो उसमें अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है कि उसमें एक तो अपना डीजल नहीं बता रहा था और दूसरा एक इंडिकेटर का प्रॉब्लम था। तो उसमें फिर गाड़ी हमें डिलीवर करना था लेकिन हुआ नहीं, इसमें वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जहाँ से हमने वायरिंग उसका असेंबल करवाया वहाँ पर से मैंने बात की वहाँ पर, तो वो बोले ठीक है हम दूसरी वायरिंग आपको भेज देते हैं। तो वो वायरिंग आएगी शायद आज, तो आ जाएगी क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं अभी तक वायरिंग आई नहीं है। तो आज आ जाएगी तो आज उस गाड़ी का वापस से काम शुरू होगा, तो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका अनवर एएसपी गैरेज में, और जैसे ही वायरिंग आ जाएगी इसके बाद गाड़ी का जो काम है वो शुरू करेंगे। पृथ्वीराज सिंह की गाड़ी है 2017 का डीआई इंजन वाला, उसमें डिजिटल मीटर करना आपको पता ही होगा, वीडियो में आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जल्दी से कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे हम डेली अपडेट देते हैं। वाला गाड़ी की मैं बात करता हूँ 2017 की है, इसमें डिजिटल मीटर लगा रहे हैं, ये देखो नया स्टारिंग है इसके अंदर और इसमें डिजिटल मीटर। अभी इसमें क्या है वायरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जैसे वायरिंग आ जाएगी उसके बाद इसका काम है वो कंटिन्यू होगा। कल इस गाड़ी का पेंट हुआ था संडे के दिन हमारा गैरेज खुला था, तो इसका फाइनल पेंट हो चुका था और आगे का जो काम है वो भी कंटिन्यू करना है। और ये गाड़ी आपको पता है कि हमारे पास मुंबई से आई है, मुंबई वासी से विनोद भाई का गाड़ी है। आपने इस गाड़ी की इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी। तो फाइनली अभी इसका आगे का जो काम है मतलब इंजन कोटिंग करना है, ये आगे का ग्रिल है जो ब्लैक कलर का होगा, ये मम्फर भी होगा, उसके बाद आगे का जो काम है मतलब कि पीछे जो इसका बॉक्स है उसको भी कलर करना है, तो वो आगे आप वीडियो में देखोगे। और ये गाड़ी आपने देखी होगी यूट्यूब पे, इसका फुल वीडियो आया हुआ है। इसमें एक दिक्कत आ गई है तो इसलिए वापस से हमारे पास गाड़ी आई है, इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको करना है, उसके बाद गाड़ी वापस से जाएगी। तो ये BS6 है जो 2007 की थी और 24 में इसको हमने पूरा कन्वर्ट किया हुआ है। घर से फ़ोन आया था कि हॉस्पिटल जाना है, तो अभी मैं निकला हूँ घर पे वापस से, अभी आया और 10 मिनट वापस पे घर पे जाना है, तो हॉस्पिटल का काम है इसीलिए। तो पहले घर पे चलते हैं उसके बाद हॉस्पिटल का काम है वो पूरा करते हैं और वापस फिर गैरेज पे आना पड़ेगा। तो फिर ये शायद 1 घंटा तो फाइनल भाई घर पे जाके, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, आने जाने में 1 घंटा निकल जाएगा घर से अगर गैरेज पर आऊँगा ना। तो ओवर ब्रिज बन रहा है इसीलिए, ये देखो है ना इस साइड से, तो यहाँ से बीच में से हमारा गैरेज का रास्ता है अभी फिलहाल तो, लेकिन हो जाएगा ना उसके बाद तो फिर कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अभी शायद मुझे लग रहा है 2 साल तो लग जाएंगे इस ब्रिज को बनते बनते, है ना। तो ये रेलवे क्रॉसिंग है, अभी तो मैं गांव के अंदर जा रहा हूँ भूज सिटी के अंदर। वैसे अगर आप आ रहे हो ना तो आपको यहाँ से आगे से इधर आना है इस साइड से, ये देखो ये ब्रिज बन रहा है ना पूरा, तो ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, थोड़ी अभी दिक्कत चल रही है रास्ते में। तो फाइनली हॉस्पिटल फैमिली को छोड़ दिया है, उसके बाद मैं निकला हूँ। ये हमारा भुज सिटी का रोड है जो जुबिली से जाता है स्टेशन रोड के तरफ। सिटी के अंदर आया हूँ तो अभी ये सोच रहा हूँ कि मोबाइल का कवर भी लेना है, तो ये जाएगा बस स्टेशन के तरफ और आगे एक शॉप है वहाँ से मैं लूँगा मोबाइल का कवर, इस वाले मोबाइल का। इस तरफ जाएंगे ना तो बस स्टेशन आएगा भुज का मेन इस तरफ से, और इस तरफ मोबाइल की सारी दुकानें, ये टर्न लेना पड़ेगा यहाँ से और सामने की साइड दुकान, ये सारी दुकानें है मोबाइल की इधर। लेकिन हमें चलना है इधर सस्ते वाला कवर लेने के लिए क्योंकि ये महंगा है, क्योंकि मैं एक एक महीने में चेंज करता रहता हूँ कवर, क्योंकि कलर से पूरा कवर खराब हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ से लूँगा अभी इस दुकान से, ये वाला कवर लिया हुआ है, ये पुराना है कलर हो चुका है, और ये वाला अभी 23 का भी लेते हैं। तो S23 अल्ट्रा का भी कवर ले लिया और A53 का भी ले लिया है, दोनों फोन का कवर ले लिया है, दोनों फोन नए हो चुके हैं अभी। देखो मारुति 800 जा रही है भाई, बहुत बेस्ट गाड़ी थी भाई, मेरी सबसे पहली ये कार थी मारुति 800 भाई, इसका जलवा ही कुछ अलग है गाड़ी, अभी तक भाई मजा आता है इसमें गाड़ी चलाने में, ये मारुति 800 में। क्या आपके पास ऐसी गाड़ी थी नहीं थी कॉमेंट में मुझे जरूर बताना। और मेरे पास बहुत मस्त गाड़ी था, 2001 का मॉडल था, लेकिन मैंने उस गाड़ी को पूरा मॉडिफाइड करवाया था, बहुत मस्त लग रही थी, ये भी देखो मस्त लग रही है। तो ये वाला डैशबोर्ड निकालना है, इसका वायरिंग का प्रॉब्लम है। इसी डैशबोर्ड में टोटल 6 नट आते हैं और ऐसे डैशबोर्ड पूरा खुल जाता है, और इसका पूरा ये भी खोलना पड़ता है, नहीं तो डैशबोर्ड निकलेगा नहीं बाहर, और उसके बाद ये भी खोलना पड़ेगा। तो ये पूरा सेट तब निकलेगा जब ये सारे पार्ट्स निकलते हैं, और इसको तो खोलना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्ट ये निकल जाएगा, और ये भले पड़ा है इसको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट डैशबोर्ड निकालना है उसके बाद वायरिंग चेक करना है। ये जो गियर आपको दिख रहा है ना, ये गियर पुराना है, इसमें हमने थोड़ा चेंज किया हुआ है, इसको थोड़ा ऐसे मुड़ना पड़ता है, बाकी गियर में कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता है, वो थोड़ा छोटा आता है, ये थोड़ा बड़ा है,
और 650 का वो गियर होता है, इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा ऐसा मोड़ दो तो इसको भी निकालना है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये डमी है, ये चालू नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पावर विंडो हमने नहीं किया हुआ है, ओनली फॉर ये डैशबोर्ड का ही काम किया हुआ है, इसका जरूरत नहीं रहता है। इसीलिए अब मैंने आपको बताना भूल चुका हूँ कि ये वाला डैशबोर्ड हमने फिटिंग कर दिया उसके बाद वापस से खोलना पड़ता है। उसका मेन रीजन तो ये है कि इसमें मीटर के अंदर डिजिटल नहीं बता रहा है और इंडिकेटर का प्रॉब्लम है, इसीलिए ये पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। और डैशबोर्ड खोलने के बाद वायरिंग में पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे इस गाड़ी का वायरिंग हमने नया ही लगाया हुआ है, पुराना वायरिंग नहीं है, तो सही तरह से देखना है ना, तो इस डैशबोर्ड को पूरा खोलना पड़ेगा ताकि एकदम प्रॉपर तरह से हम इसको देख पाएं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए ये डैशबोर्ड को बाहर निकाल रहे हैं। हमने डैशबोर्ड को बाहर निकाला हुआ है और अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर सोल्व हो जाएगा उसके बाद वापस से डैशबोर्ड लगाना पड़ेगा। फिलहाल वायरिंग के अंदर जो प्रॉब्लम है वो अभी भी आ रही है। देखो इसे यहाँ से स्विच करूँगा ना तो ये मीटर आ जाएगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर ये ब्लिंक करता है, और इंडिकेटर चालू करते हैं तो ये फ्यूज, ये वाला लाल कलर का जो फ्यूज है ना वो चला जाता है, इसीलिए मेन ये प्रॉब्लम है। भी देखेंगे क्या करना है, भैया वायरिंग नया लगाएंगे उसके बाद ही फाइनल पता चलेगा कि क्या फॉल्ट है। अगर हमारे पास से कुछ फॉल्ट होगा तो उसको और चेक करेंगे, फिलहाल पहले वायरिंग चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी वायरिंग का काम होता है पहले से एकदम रेडी करते हैं, और हर एक चीज़ जो है वो नई डालते हैं, यानी कि इतना छोटा सा अगर फ्यूज है उसको भी हम चेंज करते हैं, नया ही डालते हैं, कुछ भी पुरानी चीज़ हमारे गैरेज के अंदर यूज़ नहीं की जाती है। तो पहले जो वायरिंग आएगा, वायरिंग के बाद उस वायरिंग को फिटिंग करेंगे, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आया तो फिर आगे कुछ करेंगे। इसमें कुछ होगा नहीं, तो ये जो मैक्स पिक है उसमें हमने बोनट लगाया हुआ है चेक करने के लिए, तो अभी इसका जो आगे का काम है उसको कंटिन्यू करते हैं। ये जारी वगैरह को ब्लैक करना है, इंजन कोटिंग करना है, पीछे जो अपना चेसिस है ये वाला, ये चेसिस को भी दूसरा कोट करना है, और इसका जो काम है उसको अभी स्टार्ट करते हैं। और ये जो BS6 है उसको बाहर निकालते हैं, इस गाड़ी को भी बाहर निकालते हैं। ट्रा वाला जो गाड़ी है ना उसके ऊपर हमने नया केबिन फिटिंग किया हुआ है, तो ये इसका केबिन है और आगे का सो भी फिट होगा। इससे पहले इसमें ना ये जो चेसिस है यहाँ से पूरा सड़ा हुआ है ना, तो ये पूरा पाइप चेंज करना है और उसके बाद आगे का जो सो है वो लगेगा। बाकी ये बिल्कुल नया केबिन है, बॉडी से लिए बिल्कुल नया है, और पीछे का जो ट्रॉली है उसको भी लगाना पड़ेगा। तो ये केबिन फिटिंग हो जाएगा ना, उसके बाद ये जो चेसिस है उसके ऊपर ट्रॉली लगेगा। और ये जो दोनों गाड़ी चालू है इसमें अभी प्राइमर लगाना है, तो वो भी आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो ये वाला केबिन है उसके ऊपर प्राइमर फाइनली हो चुका है, और इसके ऊपर भी लगेगा, लेकिन शायद इस पर कल लगेगा। इसके ऊपर हो चुका है और एक दिन ऐसे ही रहेगा, उसके बाद आगे का जो काम है वो कंटिन्यू करेंगे। वाली गाड़ी का अभी वॉशिंग करना है चेसिस, उसके बाद कलर होगा। तो और वॉशिंग के लिए हमारे पास जो मशीन है, जो वॉशिंग का उसका लाइन है वो थोड़ा कम है, मतलब कि 50 फुट है, उसको हम 100 फुट करने वाले हैं ताकि गाड़ी ये इधर ही पूरा धुल जाए। वरना होगा क्या कि यहाँ से गाड़ी वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर वापस बाद में यहाँ रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तो एक लाइन है उसको थोड़ा और लंबा कर दे ताकि गाड़ी यहीं पर धुल जाए और आगे का जो दूसरा जो गाड़ी धुलना होगा वो भी आसानी से होगा। तो पूरा हम सोच रहे हैं कि 50 फुट और लाइन लेके हैं, फिर इसके बाद इसको जॉइंट मार के लंबा लाइन कर देते हैं, उसके बाद गाड़ी को वॉशिंग करते हैं, उसके बाद कलर होगा। ये हर बार प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम फिर खत्म हो जाए। ये वाला लाइन लेना है, लेकिन इसमें पता नहीं हमें 10 mm का या 8 mm का है, तो ये फोटो ऐसा 10 mm का है कितना है वो देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। पता चल गया है 10 mm का लाइन है, और 10 mm का 15 m लाइन लेते हैं, और इसका जॉइंट भी लेना पड़ेगा साथ में, तब जाके वो लाइन काम आएगी। लाइन भी ले लिया है और ये भी ले लिया है, और फाइनली अभी चलते हैं गैरेज के ऊपर, गैरेज के ऊपर फिटिंग करते हैं, और फिटिंग के बाद वॉशिंग करना पड़ेगा। तो टाइम बहुत निकल चुका है, शायद 1 घंटा हो गया घूमते हैं पूरा, और फाइनली ये वाला लाइन मिला है। लाइन लेके आए थे वो लाइन को फिटिंग कर दिया, और उसके बाद एक गाड़ी भी वॉशिंग करके देखा तो वो भी हो चुकी है वॉशिंग। ये रहा अपना गाड़ी, तो ये पूरा लाइन फिटिंग किया और उसके बाद वॉशिंग भी फाइनली चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, नाइट हो चुका है, तो वो जो गाड़ी है पीछे उसका आज वॉशिंग हुआ नहीं, कल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो पोलेरो में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल रहे हैं। इस नंबर से आपको व्हाट्सअप करना है, आपकी गाड़ी का फोटो वगैरह भेजना है अगर आपको रीस्टोरेशन करवानी है तो। इसके साथ हमारा जो गैरेज है वो गुजरात के कच्छ जिले के भूज सिटी में, और इंस्टाग्राम में अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके जरूर से रखना, क्योंकि वहां पर हम एक दो वीडियो डेली डालते हैं। तो इसके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।